नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। हिंदी की इस आज की कक्षा में हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने। और इस पाठ में आज हम क्या चर्चा करेंगे, इन लेखक के बारे में क्या जानना चाहेंगे आप, कोई भी सवाल है आपके पास इस विषय से जुड़े हुए तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी गहराई आप जानना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर पूछिए। नंबर है 8800404559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in। चलिए, आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश कोहली। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नई दिल्ली से, और सर हमें ढेर सारी जानकारी देंगे इस पाठ के बारे में, इस पाठ को पढ़कर भी सुनाएंगे। पर उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। We are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency and would convene the G20 leaders summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudeva Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए, इसी बात पे हम इस सूचना को यहीं पे रखते हैं और आज का ये जो विषय है हम उसे चर्चा करना शुरू करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसमें आज हमारे जो दर्शक हैं, नवी कक्षा के जो बच्चे हैं, क्या सीखने वाले हैं? जी धन्यवाद तन्वी, और एक बार मैं फिर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि जिस तरह से हमारे जीवन में उपभोग की जो तौर तरीके हैं, जो उसका उसकी शैली है, जो उसका प्रभाव है, वो निरंतर बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वो किस तरह की हमारे संस्कृति को प्रभावित कर रहा है, ये सारे इसमें कुछ बिंदु हैं जो इस पाठ में हमारे साथी हम उनसे चर्चा करेंगे जी। इसके साथ साथ ये भी बता रहा, इसमें पाठ में ये कहा गया है कि इसका जो कहना चाहिए उपभोक्तावाद के क्या कारण हैं, और इन कारण के पीछे हमारे जो इतिहास में क्या भूमिका है वो भी है, एक हल्का सा आभास, और साथ ही साथ उसके परिणाम क्या हैं, इन सब के बारे में कुछ बिंदु हैं। और शायद जो पाठ की कहना चाहिए कि उसका जो आकार है उसमें उनकी ओर इसका इशारा भी है जी। सर, इसे किसने लिखा है? जैसे कि हमने बताया कि श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है, क्या आप लेखक के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देखिए, इसको पहले शुरुआत करने से पहले, पाठ पे आने से पहले जी, कि होता क्या है कि ये भी एक रोचक विषय होता है, जब हम किसी कहिए कि पाठ की शुरुआत करते हैं तो उस रचनाकार के बारे में भी जानना बहुत अनिवार्य होता है। होता क्या है कि उस रचनाकार का जो पूरा लेखन है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, और वो उसमें एक तरह से हमें दिखाई भी देता है। जैसे कि अगर ये पाठ एक साहित्यकार है, एक समाजशास्त्री है, एक मनोवैज्ञानिक है, उस तरह के रचनाकार का लिखा हुआ पाठ है, तो वो उसके सारे पक्षों की पड़ताल करते हैं। उपभोक्तावाद को केवल एक भावुक दृष्टि से, या कहिए कि केवल एक साहित्यिक दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के पूरा का पूरा जो कहिए कि समाज शास्त्र है, उसको वो हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इस पाठ के या इस निबंध के जो भी लेख है, इसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं जी। और इनका जो जन्म है वो 1922 में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जो बुंदेलखंड का हमारा क्षेत्र है उसमें हुआ। और जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो क्षेत्र है वो समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र के साथ साथ उसकी भी एक दूसरी शाखा कही है, एक अब तो समानांतर विषय है, वो मानव विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसी में इन्होंने PhD भी किया, और शोध कार्य के साथ साथ इनका शोध कार्य बहुत चर्चित भी हुआ जी। खास तौर से इनका जो ग्रामीण परिवेश को लेके, ग्रामीण क्षेत्र को लेके भारतीय
गांव और समाज और संस्कृति को समझने के लिए जो कार्य किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इनकी कुछ देखिए जो हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है इनका लेखन, लेकिन जो हिंदी में उपलब्ध है उन्हीं रचनाओं की ओर अगर हम देखें तो आपको इससे पता चलेगा कि ये मूलतः सामाजिक जो विज्ञान का क्षेत्र है उनके रचनाकार हैं। देखिए कुछ रचनाओं की मैं इसमें जो हमारे साथी देख पा रहे होंगे उनकी चर्चा की गई है कि एक किताब है उनकी मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था ये उन पर शोध कार्य है, और संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये उनकी कुछ जो हिंदी में उपलब्ध है अंग्रेजी के अलावा वो रचनाएं हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके ऊपर भी शोध कार्य किया, और इसके साथ साथ वो विभिन्न जो शैक्षिक संस्थान जिसको हम कहते हैं प्रोफेसर भी रहे और उनमें पढ़ाया भी, और साथ ही साथ जैसे कि जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण है समाजशास्त्रीय शोध के संदर्भ में। इनका इस पाठ के संदर्भ में अगर मैं उल्लेख करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम इसमें देखें, हम इन्होंने जो मूल इनका इस लेख में जो उद्देश्य है वो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है, जो भारतीय समाज है, वो लगातार बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। और इससे पहले कि हम और आगे चले, ये पाठ मुझे इसका सही वो तो सन तो प्रकाशित का अंदाजा नहीं आ रहा अभी, लेकिन क्योंकि इनकी मृत्यु 1996 में हो गई थी तो आप अंदाजा लगा लिए उससे पहले का लिखा हुआ ये लेख है, और ये उस समय का लेख है जब बाजारवाद की आहट भारतीय समाज में बहुत तेजी से, कहना चाहिए उदारवाद जिसको हम LPG का दौर कहते हैं, वो 1990 का जो उदारीकरण और भूमंडलीकरण आया उससे पहले का लिखा हुआ है। अच्छा। और उस समय भी इन्होंने उस चीज को रेखांकित कर लिया था कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, कि बाजार की गिरफ्त के कारण विज्ञापन की जो दुनिया है उसका क्या असर हो रहा है, और हो क्या रहा है कि बाजार और विज्ञापन से प्रभावित होकर हम चीजों की गुणवत्ता नहीं देख रहे हैं, उनकी चमक दमक में एक तरह से हम खो जा रहे हैं जी। हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं है इसको नहीं देखते, बस ये देखते कि बाकी लोग उसको खरीद रहे हैं तो वो हमें भी खरीदनी है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम, और ये भी एक शैली है, देखिए इनकी एक लिखने की शैली है कि वो एक जटिल से जटिल विषय को, ये अदृश्य होते हैं कई बार हमें समाजशास्त्रीय विषय समझ में नहीं आते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक सामाजिक संरचना है जी। आपको पहली बार में वो लगेगा कि नहीं क्या सामाजिक संरचना, क्या सामाजिक व्यवस्था, क्या ग्रामीण ढांचा, क्या, तो ये वैसे ही हमें लगता होगा नहीं ये तो विकास की यात्रा है, लेकिन ये विकास ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि हम उपभोग की वस्तुओं को प्रयोग करते करते खुद एक वस्तु के रूप में बदलते जा रहे हैं, दूसरों की देखा देखी कि इन्होंने एग्जाम्पल बड़े रोचक तरीके से दिए हैं, और पहले ये भी एक खास अपने उनकी एक शैली है कि पहले उन्होंने उदाहरण दिए, फिर उस विषय की संकल्पना एक तरह से समझाई, फिर उसके जो परिणाम है दुष्परिणाम है उनकी ओर भी इशारा किया, देखिएगा। और इसका खतरा बताया कि अगर हमारे समाज में, ये तो आज से 30-40 साल 50 साल पहले का लिखा हुआ लेख अगर है तो उस समय अगर वो बाजारवाद की आहट देख रहे थे तो आज कितनी गंभीर स्थिति है। और वो एग्जाम्पल इन्होंने बाद में दिया है कि देखिए कि लोग दूसरों की देखा देखी, एक मान लीजिए कोई म्यूजिक सिस्टम खरीद रहा है, कोई कंप्यूटर खरीद रहा है, मैं इसको आज के संदर्भ से जोड़ के देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मोबाइल की दुनिया है। आज देखिए हमें मोबाइल की कितनी जरूरत है, हम उसमें कितना काम करते हैं, वो एक तरह से हमारा इशू नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, बस मिस्टर एक्स ने ये लिया तो वाई ने ये लिया, हमें ये लेना, तो ये जो अंधाधुंध उसके पीछे भागने की प्रवृत्ति है ये बहुत ही खतरनाक है। और इससे क्या होगा, ये समाज में दिखती नहीं, ये पूरे पाठ में भी आपको इस चीज का आभास होगा जब हमारे साथी इसको पढ़ेंगे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा,
कि जो समाज में वर्गीय संरचना है, जो विभेद है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। अच्छा। और ये बढ़ने से हमारे जो सामाजिक ढांचे में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में है, वो कहीं ना कहीं लगातार असंतोष होगा। उसमें कहना चाहिए कि संघर्ष के लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अब आइए देखिए आप इसमें कि वो उदाहरण कैसे देते हैं। पहले ये बता रहे हैं कि कहने को तो ऐसा लगातार कह रहे हैं, हमारी जीवन शैली है वो लगातार बदलती जा रही है, और यहां तक कि इतनी बदल गई है कि हमारी जो सुख की परिभाषा है कि आप सुखी कब हैं, अगर आपको ये कहे कि भाई आपके पास लेटेस्ट उसका फोन नहीं है, कि हम नाम नहीं ले सकते किसी भी कंपनी का, लेकिन अगर नहीं है तो आपको कहा जाता है कि नहीं आप शायद वो नहीं। ये जो दिखावे की जो प्रवृत्ति है, ये आप सुखी तब हैं जब आप उनके सुख की डेफिनेशन में शामिल होते हैं, नहीं तो आपको एक लगातार वंचना की भावना, जिसको कहते हैं ना डिप्रिवेशन की भावना, आपको लगातार वो महसूस होगी। ये बाजार का असर है। बाजार, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम बाजार की चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाजार की चीजें हमें एक तरह हम खुद एक वस्तु बन गए हैं, इसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा वो पूरा का पूरा बदलता जाएगा। देखिए अब वो शुरुआत करते हैं, एक सिंपल से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि वो कहते हैं, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि आप ये वाला टूथपेस्ट खरीदिए जी। अब आप देखिए, आप एक मिनट के लिए कल्पना करके देखिए, हमारे टीवी में जो विज्ञापन आते हैं उसमें कितने विज्ञापन डेली इसी तरह के आते हैं। एक एक दो लाइनें पढ़ के देखिए, तब उसका अंदाज होगा हमें लेखक का कि किस तरह से लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं, अगर आप अपने दांत स्वस्थ चाहते हैं, चमकीले चाहते हैं, दुर्गंध मुक्त चाहते हैं, तो ये वाला पेस्ट खरीदिए, इसमें जादू है, इसमें मैजिक है। और भी चाहते हैं तो फिर अब जो एक नया है कि हम जिसको हमारे कहिए कि जो इकोसिस्टम से जुड़ने वाली है, आप ये वाला खरीदेंगे, इसमें नीम है, इसमें बबूल है, इसमें ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए गुण हैं, इसमें सारी। अब ये बता दिया तो फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर आपने ये टूथपेस्ट तो खरीद लिया, लेकिन कहीं अगर आपने ये कंपनी का ब्रश खरीदा तो अब उसके साथ साथ एक दूसरी चीज बेची जा रही है, तब जाके आपका, अभी तो आप ये तो उस दौर में लिख रहे थे कि खाली ब्रांड अब बदल रहा था, अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है कि आप ये वाला करेंगे तो आपके दांतों की सफाई पूरी तरह से होगी। इतना ही नहीं, फिर ये कह रहे हैं कि माउथ वॉश की भी ये आ गया है। ये एक एक करके चीजें जुड़ती जा रही है, वो आपको बाजार की तरफ लेके जा रहा है। और ये थोड़ा सा रुक के देखेंगे कि जैसे साबुन का कह रहा है कि ये इस साबुन से नहाइए तो आप एकदम से कहना चाहिए कि खुशबूदार हो जाएंगे, आप हाथ गोरे हो जाए, ये तो पूरी तरह से एक कलर जेंडर का उसका भी इश्यू भी है इसमें। वो भी एक उनकी तरफ भी कहता है कि अगर महिलाओं की जो सौंदर्य की, जिस सुबह की उनकी जो मेज देखिए आप, तो उस पर इतनी सारी सामग्री होती है, आप इसके कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जेंडर का इश्यू है, लेकिन वो कहते हैं वो उसमें हजारों रुपए की सामग्री वो आपको प्रेरित करती है कि आप ये वाला खरीदिए, ये वाला इस्तेमाल करिए। कह रहे इसमें महिलाएं नहीं, आजकल पुरुष भी उतने ही हैं, तो उनका ये जो सारे हैं। अब दूसरा, आपके कपड़े, वस्त्र जो परिधान है, फैशन के दौर में जो कहते हैं कि गारंटी, वो कह रहे हैं आप फिर कपड़े, आपसे लगातार ये कहा जा रहा है कि आप ये वाले खरीदिए, ये आउटडेटेड हो गया है, ये फैशन चला गया, इस ब्रांड का खरीदिए, स्टाइल का खरीदिए। इतना ही नहीं, वो कह रहे कि एक देखिए एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है, उदाहरण है कि जैसे घड़ी है, भाई घड़ी का काम है हमें समय से थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इतना समय हुआ, लेकिन जो 300, 400, 500 रुपए में घड़ी आ जाती है, वो कह रहे हैं कि वो लाखों तक भी आ रही है, तो उसका काम तो वही है, तो वो किस चीज से जुड़ रही है, वो कहीं ना कहीं अभिजात्य से, दिखावे से, जो विलासिता का जीवन है वो उसकी तरफ लेके जा रही है, जो उपभोक्तावाद का जो कहना चाहिए हमें, उसकी तरफ आपको धकेला जा रहा है कि आप उधर जाइए। और इसके अलावा भी एक दो ऐसे उदाहरण दिए कि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो 5 सितारा 5 स्टार जो कल्चर है वो हमारे उसमें हम सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो प्रभावित कर रही है। आप पहले की देखिएगा, आप ज्यादा वो नहीं कि हमारे जो समारोह होते थे शादी के या जो भी संस्कार होते थे, उनकी
उनका उनका प्रारूप देखिए और आज के शादी और उनका प्रारूप देखिए, ये फाइव स्टार कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं फाइव स्टार शादी ब्याह ही नहीं, फाइव स्टारों में ही शादी ब्याह होता है। हाँ। और उसके अलावा कि फाइव स्टार स्कूल खुल गए, पांच सितार स्कूल खुल गए, और अति तो तब हो जाती है कि कह रहे कि कॉलेज भी खुलेंगे वो भी, और आ गए हैं वो सारे। इसका ये कह रहा है कि थोड़ा देखिए कहां तक है कि अमेरिका और ऐसी जगह पे तो ये भी आ गया है कि आप अपनी अंतिम यात्रा का भी पहले से एडवांस बुकिंग कर लीजिए, फाइव स्टार वाली जो है। और उसमें क्या होगा कि जब आप उसकी वो कर लेंगे, अगर फाइव स्टार जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी जो जो भी होगी समाधि या जो जहां पे आपको मरने के बाद रखा जाएगा, उसके इर्द गिर्द भीनी भीनी खुशबू आएगी, फूल पौधे लगाए जाएंगे, म्यूजिक बजता रहेगा, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके जीवन को लगातार एक तरह से दुष्प्रभावित कर रही है, प्रभावित नहीं दुष्प्रभावित कर रही है लेखक इस बात का। और ये अभिजात जो विशिष्ट जन जिसको हम कहते हैं उसको तो वो तो उसकी कहना चाहिए कि जीवन शैली है जी। लेकिन जो मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है वो उसमें कुंठा पैदा कर रहा है। ये जो है कि वो उसको वो चाहता है कि वैसा ही वो भी करे, और उस चक्र में उसका क्या होता है, इसका जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है इसमें, इन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण क्या है, जो भारतीय समाज में सामंती प्रवृत्ति रही है जी। सामंती प्रवृत्ति हम हमारे साथ ही समझ रहे होंगे, जो ग्रामीण परिवेश या जो छोटे शहर या उसके जो अभिजात्य है, जो अमीर वर्ग है वो अपने उसको पैसे को लगातार प्रदर्शित करता है। अच्छा। और उसकी वजह से वो वही सामंतवाद या पूंजीवाद ये आपस में घालमेल हो गए हैं। अब ये सामंती प्रवृत्ति का ही बढ़ा हुआ रूप पूंजीवाद है, क्योंकि जिसके पास पूंजी होगी वही सब इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, और जो इस्तेमाल नहीं करेगा वो उसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फीलिंग आएगी। इससे हो क्या रहा है कि हमारे जो जीवन में केवल पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव नहीं आ रहा जी। पहले हम लोग आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से अगर उनके उपनिवेश थे तो अब हम सांस्कृतिक रूप से गुलामी की तरफ चले गए हैं, और ये आप हम अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। ये कोई आधुनिकता नहीं है, ये एक तरह की झूठी जिसको कहते हैं छद्म जिसको कहते हैं सूडो, ये वो वाली आधुनिकता है। अच्छा। और इससे हमें बचना चाहिए, और अब हमें हम अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई दूसरा हमें अन्य निर्देशित कर रहा है, दूसरा कोई डायरेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। और ये इतना बारीकी से किया जा रहा है कि जो उससे प्रभावित है वो अपनी एक उदाहरण देखिए कि हम अपनी बहुत सारी जो इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च करते हैं, कपड़ों पर। तो ये यही है कि क्या उस इतने की जरूरत है हमें नहीं। तो ये इस बात को कि हम कहीं और से निर्देशित हो रहे हैं, हमें इससे सावधान रहना है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब इसका परिणाम क्या होगा आखिरी उसमें ये बताना चाह रहे हैं जी। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो पहला इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारे समाज में हमारे देश में जो बहुत ही सीमित साधन है, एक कहा जाता ना कि प्रकृति के लिए सबके लिए तो है, पर्याप्त तो है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए वो ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा इस्तेमाल करे तो वो भी कहां से आएगा। तो इसका लक्षण क्या होगा कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनकी तरफ उसका घोर अपव्यय होगा, वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। और एक वाक्य है इसमें बड़ा एक तरह से मुझे बड़ा रोचक लगा, लिखा है कि जीवन की जो जीवन है हमारा, जो जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब आप इसी एक वाक्य से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई आलू के चिप्स खा के ये सोचे कि वो मॉडर्न हो गया है तो
वो उसकी परिभाषा में तो नहीं है, उसकी गुणवत्ता में तो नहीं है। इसी तरह से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के बारे में भी कहा है कि जो लगातार शीतल पे दिए जा रहे हैं वो भी, और ये पिज्जा बर्गर का भी उल्लेख है। अब क्या ये पार्टी ऐसा है, ये हमारे हमारे जो किशोर साथी हैं, जो युवा साथी हैं, उनको ये बता रहा है, ठीक है आप कभी कभी आपका मन करता है तो वो जो समय की जरूरत है वो आप खाइए, लेकिन वो कहते हैं कि अल्टीमेटली है तो ये, देखिए उन्होंने उनका अनुवाद या मूल लेख है तो ये उन्होंने कहा है कि ये कूड़ा खाद्य है, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, तो आप इसका अनुवाद तो यही होगा। तो पिज्जा बर्गर और आलू के चिप्स ये हमारी आधुनिकता का या सेहत का या गुणवत्ता का वो नहीं है। और जैसा पहले मैंने कहा था शुरुआत में कि शायद ये इसका लगातार प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन होगा जो कि बहुत सीमित मात्रा में है उसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा वर्गीय ढांचा है, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, उसमें भी ये आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो देखता है कि सामने वाले के पास ये है और पता नहीं कहां से आ रहा है, तो वो भी फिर उसी दिशा में सोचता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, और उसका परिणाम ये होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत राह का भी इस्तेमाल करता है। और इतना ही नहीं, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो निरंतर हमें दिखलाई देगी जी। और उसका परिणाम क्या होगा कि वो एक जिसको कहिए कि सामाजिक असंतोष और अशांति और संघर्ष की ओर भी ले जाएगा। एक दो बात और बस इसमें, फिर मैं चाहूंगा कि अगर कोई और हमारे साथी उस पर चर्चा करना चाहें तो जी। वो ये कि अगर हमारे समाज में संघर्ष बढ़ेगा तो वो हमारी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इससे लगातार हो क्या रहा है कि व्यक्ति एक और इसकी तरफ से, ये सब समाजशास्त्रीय पहलू हैं कि हमारे समाज में लगातार जो व्यक्तिकता है जो वो हावी होती जा रही है। हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है, उसकी एक बहुत कम सीमा है उसकी जो दूसरों के बारे में सोचता है, जिसको हम दो भारतीय परिवेश में पहले कहते थे कि एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है जी। अब हम लगभग पूरी तरह से स्वार्थ पे ही केंद्रित हो गए हैं, परमार्थ हमारी पता नहीं किस तरह की कहां तक वो सीमा में आता है। और अगर यही इसी तरह से ये बाजारवाद और प्रदर्शन और उसका हमारी परंपराओं का संस्कृति का अवमूल्यन होता रहा और हमारे साथी नवयुवक या जो अभी भी इस पाठ को पढ़ेंगे, लेख को पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, टीवी की दुनिया है, बाजार की है, इंटरनेट की है, जिस यूट्यूब की है, ये इतनी सारी जो नए उसमें उपभोक्तावाद को पूरी तरह से केवल उसी से पैदा हुए हैं ये जी। आप देखेंगे कि कुछ चीजें तो केवल कहीं है ही नहीं, वो खाली केवल आपके वर्चुअल दुनिया में है, बिल्कुल उसको उसी से बिजनेस हो रहा है और उसमें आपको घसीटा जा रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, और इन्होंने इस लेख का अंत बड़ा महत्वपूर्ण एक छोटे से गांधी जी के उससे वक्तव्य से किया है जी। वो कहते हैं कि उसमें उनका वाक्य है कि हमें गांधी जी ने जैसा कहा था कि हमें जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव है, जो देश के हो चाहे विदेश के हो कहीं से भी हो जी। हमें अपने खिड़की दरवाजे घरों के उनके लिए तो खुले रखने चाहिए, लेकिन हमें अपनी बुनियाद से जुड़े रहना चाहिए, हमें अपनी सांस्कृतिक सामाजिक जो जड़ें हैं उनसे जुड़ा रहना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि ये बाजार की बांधी जिसको कहते हैं, बाजारवाद की आंधी आपको कहाँ ले जाके छोड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप फिर वही अंत में मैं पहली वाली ही बात कहूंगा कि आप चीजों का इस्तेमाल करते करते, वस्तुओं का इस्तेमाल करते करते खुद एक व्यक्ति से, एक सामाजिक व्यक्ति से वस्तु में ढल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें उपयोग करना, उपयोगितावाद की जो कहना चाहिए संस्कृति या अपसंस्कृति है उससे बचना है, लगातार इस लेख में इस चीज को रेखांकित किया। बिल्कुल, मुझे लगता है जितने भी नवी कक्षा के जो बच्चे हैं और किसी भी कक्षा के जो बच्चे हैं, अगर इस पाठ को कोई पढ़ेगा तो उससे यही मतलब निकलेगा कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो काफी वक्त से बदलती आई है, पर हमें अपनी संस्कृति भी रखनी है और विदेशी जो उनका समाज है उसमें खो नहीं जाना। सर बेहद धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।
धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस कार्यक्रम को अगर आपने किसी भी कारणवश नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं NCERT ऑफिशियल पर, थोड़ी देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और अभी हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में, पर थोड़ी देर में हाजिर होंगे साइंस का एक कार्यक्रम लेके कक्षा 9 के सभी बच्चों के लिए, और जो टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जल्दी से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ई विद्या चैनल्स देखते रहिए। नमस्कार।